मित्रों, जब भी हमारे मन में रावण का विचार आता है तो हम रावण को एक राक्षस, एक अहंकारी व्यक्ति तथा स्त्रियों को भोग विलास की नजरों से देखने वाला मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में रावण की कई ऐसी रहस्यमयी श्रेष्ठ बातों का भी वर्णन मिलता है जिन्हें कभी उजागर नहीं किया गया। आज के इस वीडियो में रावण की उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जिसे जानकर शायद आपकी भी रावण के प्रति नकारात्मक धारणा बदल जाए और आप भी भारत के और राज्यों की तरह रावण की पूजा करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है जब भगवान शिव की भक्ति में लीन रावण कैलाश पर्वत को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। इससे भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपने पैर रख दिए जिससे पर्वत के नीचे रावण की उंगली दब गई, जिससे पीड़ा में होते हुए भी रावण शिव तांडव करने लगा। रावण के इस तांडव से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे रावण की उपाधि दी। कहा जाता है तभी से रावण का नाम रावण पड़ा। मित्रों, आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको भी लगने लगेगा कि रावण उस सदी का सबसे महान विद्वान था। बात उस समय की है जब रावण मृत्यु के समीप था। भगवान श्री राम जानते थे कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है, इसलिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी को रावण के पास उनके अंतिम शब्द जानने के लिए भेजा। तब रावण ने लक्ष्मण जी को ज्ञान की तीन बातें बताई थी जो आज के मनुष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। दूसरा, कभी भी अपने शत्रु और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण ने वानर सेना को तुच्छ समझा था जिसके परिणाम स्वरूप उसको पराजय मिली। तीसरा, मनुष्य को कभी भी अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि रावण ने यही गलती की थी। रावण ने अपनी नाभि में अमृत कुंड का भेद विभीषण को बता दिया था जो उसकी मृत्यु का कारण बना। मित्रों, आगे बढ़ते हुए चलिए अब जानते हैं रावण के अगले रहस्य के बारे में। भले ही रावण को महिलाओं का अपमान करने वाला माना जाए, परंतु उसने कभी भी माता सीता के खिलाफ उन्हें छूने तक का प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, रावण अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से भी उठ गया जिसके परिणाम स्वरूप उसका भगवान श्री राम से युद्ध जीतना निश्चित था। लेकिन उसकी परवाह किए बिना रावण ने अपनी पत्नी को अपने से ऊपर रखा। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।